वेलकम क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक का कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो लेंथ जो है 175 मीटर है और ब्रेथ 125 मीटर है। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल व्यय जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए लेंथ दिया है आपको 175, ब्रेथ दिया है 125। अब आप इसको फेंसिंग करेंगे, बाड़ लगाएंगे चारों तरफ, तो किसके उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, उसके परिमाप यानी कि उसके पेरीमीटर के बराबर होगी। तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं हम। लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, 2 × लेंथ की जगह 175 प्लस 125, तीन दोनों का सम आ गया 300। तो 2 × 300 यानी कि 600 मीटर की टोटल फेंस लगेगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको फाइंड करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर की फेंसिंग का कॉस्ट है ₹12। तो 600 मीटर यानी कि कुल जो फेंसिंग की लंबाई है, टोटल लंबाई, तो टोटल लेंथ जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 12 × 600 यानी कि ₹7,200 आपका आंसर आ जाएगा। पार्क में जो बाड़ लगेगी, उस बाड़ की कुल लंबाई क्या होगी, उस पार्क के परिमाप के बराबर होगी। तो परिमाप का सूत्र है, आयत के परिमाप का सूत्र 2 × लंबाई धन चौड़ाई है ना। तो मान रख दिए, हल किया तो आपको आ गया 600 मीटर। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय है आपके पास ₹12। ठीक है, तो कुल 600 मीटर की लंबाई की बाड़ लगनी है, तो कुल व्यय कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर ₹12, तो 600 मीटर पे 12 × 600 यानी कि ₹7,200 का व्यय कुल आ जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट आई विल डिस्कस इन इंग्लिश मीडियम देन इन हिंदी मीडियम। तो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइज 75 मीटर whereas bulbul runs around a rectangular park of length 60 meter and breadth 45 meter। तो जो स्वीटी है वो एक स्क्वायर शेप के चारों तरफ जा रही है और बुलबुल जो है एक रेक्टेंगुलर शेप के चारों तरफ क्या कर रही है, दौड़ रही है ना। ये 75 मीटर साइड का स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर है तो सारी साइड आपस में इक्वल है, तो मैं इक्वल मार्क लगा देता हूँ सब जगह, 75 लिख लीजिए, ऐसा कर दीजिए है ना। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या है, उसकी लेंथ जो है 60 मीटर है, ठीक है, और जो ब्रेथ है बच्चों वो दे रखी है 45 मीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक चक्कर लगाने में कौन ज्यादा कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, दौड़ता है, कौन कम डिस्टेंस दौड़ता है। तो पहले आप अगर मान लीजिए स्वीटी यहां से स्टार्ट करती चलना दौड़ना, ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगाती तो पेरीमीटर के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लीजिए 4 × साइड, तो 300 मीटर आ गया, 4 × 75। ओके, डिस्टेंस कवर बाय स्वीटी इज 300 मीटर, इसका मतलब ये आया। अब आप बुलबुल सपोज जो है इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करती है और ऐसे दौड़ती है इस तरह से, ठीक है, और लास्ट में घूमकर फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, चक्कर पूरा करती, तो क्या डिस्टेंस कवर कर रही है बुलबुल, उसकी पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही। तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × (lbr)/breadth, तो 2 × 60 + 45, तो ये आ गया 2 × 105। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 2 × 105 दैट इज 210 मीटर। तो किसने डिस्टेंस कम कवर करी, बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर करी थी, स्वीटी ने 300 मीटर डिस्टेंस कवर करी थी और बुलबुल ने 210 मीटर डिस्टेंस कवर करी। तो आप लिख देंगे, हेंस बाबुल कव बुलबुल सॉरी बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी। ठीक है बच्चों, अच्छा क्या है प्रश्न, ये है कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है। स्वीटी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, वर्गाकार परिमाप,
वर्गाकार बार का परिमाप, तो 4 गुना भुजा, 4 गुना 75 यानी कि 300 मीटर। बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी, बुलबुल जो दूरी तय करेगी बच्चों, बुलबुल जो दूरी तय करेगी आयत के आकार के पाथ पे जो दौड़ रही है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दी गई है, चौड़ाई दे रखी है आपको 60 मीटर और लंबाई दे रखी 60 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको इसकी 45 मीटर, ठीक है ना। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी आयत के चारों तरफ घूम रही है ना, परि उसके बॉर्डर पर है ना। तो परिमाप का सूत्र है आयत का दोगुना ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, मान रख दिया 2 × 60 + 45 = 2 × 25 = 110 मीटर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्वीटी 300 मीटर दूरी तय कर रही है और बुलबुल 210 मीटर दूरी तय करती है, तो कम दूरी कौन तय कर रहा है, बुलबुल। तो इस प्रकार बुलबुल कम दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो ये आपके अनुप्रयोग से संबंधित है, सूत्रों के अनुप्रयोग है, है ना, एप्लीकेशन है। तो इसी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक और आ गया बच्चों, तो और भी इजी है। देखो व्हाट द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बताना है। ये एक स्क्वायर है, ए पार्ट एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इनका परिमाप बताना सभी आकृतियों का बच्चों। तो 25 मीटर की सेंटीमीटर की साइड से स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, देखिए आमने सामने की साइड इक्वल है ना। ये फिर आपका एक रेक्टेंगल है, 40-40 लेंथ है, ब्रेथ 10-10 है, और ये आपका एक ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल है, देखिए इनमें ये और इसमें ये और ये साइड बराबर है 20-20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, फॉर्मूला आप लिख दीजिए है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए पार्ट को करें तो 4 × 25 = 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी, तो लेंथ जो है 40 और ब्रेथ जो है आपका 10 है, तो 2 × लेंथ + ब्रेथ, यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों, 2 × शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेंथ को एल से दिखाइए, ब्रेथ को स्मॉल बी से दिखाइए, ओके ऐसे भी कर सकते हैं। 2 × 12 + b, तो 2 × 40 + 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सी, ये एक रेक्टेंगल है 30 30 20 20, लेंथ 30 है, ब्रेथ 20 × 20 + 30 में हमारे पास देखते हैं, एक बार टेक्स्ट बुक में क्या दिया है बच्चों, एक बार देखते हैं। अच्छा 30 30 दिया है, देखिए टेक्स्ट बुक में 30 दिया है, तो यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, तो ये 30 है बच्चों, है ना, क्वेश्चन में ये 30 दिया गया है, दिस इज गिवन 30 not 20, ओके 30 है, क्वेश्चन में 30 दिया गया है, ठीक है। तो 30 + 30 + 40 तो 100 सेंटीमीटर, तो सारे फिगर्स का पेरीमीटर देख रहे हैं, सभी फिगर्स का पेरीमीटर 100 100 सेंटीमीटर आया है ना। ये कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे यहाँ 30 दिया है बेटा टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया है, हाँ है ना, 30 दिया गया है, ठीक। चलिए अच्छा, इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे, वर्ग का परिमाप 4 गुना प्रत्येक भुजा की लंबाई, आयत का परिमाप 2 गुना कोष्ठक के अंदर लंबाई, ये लंबाई हो गई, और धन चौड़ाई, है ना। तो त्रिभुज में भुजाओं का योग है ना। अगर आपको वर्ग के परिमाप का सूत्र याद नहीं भी हो तो आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, है ना, सभी भुजाओं की माप, परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 25 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है तो 100 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 40 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो 40 + 10 ये हो गया 50, तो ये भी 100 सेंटीमीटर आ गया 2 × 50। तीसरा आयत जो है, तीसरे आयत में देखिए लंबाई 30 है, तीसरे आयत में लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है ना, तो लंबाई धन चौड़ाई 30 × 20, ये भी 50 आया, इन दोनों का योग 2 × 50 हो गया है ना, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, तो ये भी 100 सेंटीमीटर। जब हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग 30 × 30 × 40, तो ये भी 100। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, सभी आकृतियों का परिमाप क्या है, समान है, ठीक है। अच्छा प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इट सेज, अवनीत buys 9 square paving slabs, each with a width of 1/2 meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? Figure 10.71 part. तो
स्लैब ली उसने, 9 स्लैब ली, उनको ऐसे अरेंज किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और प्रत्येक एवरी वन इज ऑफ द साइड 1/2 meter, 1/2 meter क्या है ये, 1/2 meter दिया हुआ है ना, ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1/2 meter साइड। ओके, तो पेरीमीटर निकाले इस अरेंजमेंट का, तो आप देखिए 1, तो सम ऑफ साइड हो गया 3 है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये जो स्क्वायर फॉर्मेशन बनेगी ये एक हाफ 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 3 हाफ हो गए, 3 into half यानी कि 3/2 meter साइड हो गई स्क्वायर की है ना, ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन है, तो 3/2 meter, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 into side है ना। आप देखिए ये, आप देखिए 1/2, 1/2, 1/2 इसी तरह से 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये 3/2 है साइड जो है स्क्वायर की है ना, तो 6 meter पेरीमीटर आ गया। अच्छा, शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट और उसने क्या किया, उसने उसको क्रॉस फॉर्म में ऐसे लगा दिया उन टाइल्स को जो है, जो स्क्वायर टाइल्स थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो स्क्वायर टाइल्स थी 1/2 meter साइड की है ना, ऐसे लगा दिया, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो आप पेरीमीटर देखिए 1/2 यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 हुआ ना, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 ही तो हुआ, 1 को 2 से डिवाइड करिए, डेसिमल में 0.5 कहेंगे, 0.5 प्लस 1 यहां से यहां तक ये 1 हो गया है ना, प्लस ये भी 1 हो गया, फिर ये 0.5 हो गया, तो इनको ऐड कर लीजिए, देखिए 0.5 एंड 1, 1.5, फिर ये 1, 2.5, फिर ये हो गया 3, फिर ये 1 हुआ 4, फिर ये 5, फिर 5.5, फिर यहां से 6.5, फिर ये 7.5, फिर ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9, फिर ये हो गया 10, तो कितना आ गया 10 मीटर आ गया। तो जब हम टाइल स्क्वायर, इन स्क्वायर्स को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं 9 स्क्वायर्स को, तो पेरीमीटर 10 मीटर आ जा रहा है। तो आप देखिए विच हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर, तो अरेंजमेंट जो 2 है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस, मींस एजेस जो है मिलने चाहिए स्लैब्स के, तो इससे ज्यादा ग्रेटर पेरीमीटर नहीं बनाया जा सकता है। पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर सपोज मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी कर लेता ना, जैसे 1, 2 फिर ये 3, स्क्वायर को मैं स्क्वायर टाइल्स को ऐसे अरेंज कर रहा हूँ सपोज, तब भी पेरीमीटर आपके पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये यहाँ पर 8th स्क्वायर आ जाता और ये 9th आ जाता, तो तब भी जो है आपका 10 मीटर ही आता, 10 मीटर से ज्यादा पेरीमीटर नहीं बना सकते हैं आप। ओके, क्या है ये, हाफ मीटर है सबकी विड्थ, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अवनीत ने जो है 9 वर्गाकार टाइल खरीदी जिनमें प्रत्येक भुजा आधी मीटर की है। एक छोटी सी टाइल है, एक छोटी सी टाइल है, ये यही मान लेते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप जो है 0.5 meter है, 1/2 meter का मतलब हुआ 0.5 meter, ठीक है। अच्छा, तो उसको इसने इस तरह से अरेंज किया 9 टाइलों को इस तरह से, तो इसमें पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, और शेरी ने उनको एक क्रॉस फॉर्म में रखा, तो टाइल दोनों ही स्थितियों में आपने परिमाप निकालना है। तो यहां पर आप देखिए आधा मीटर है ना, या 0.5 कह देंगे है ना, 0.5 × 0.5 × 0.5 तो ये हो गया 1.5 meter की साइड होगी स्क्वायर की, ये भी 1.5 meter ही होगी, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 × भुजा, तो 4 × भुजा यानी कि परिमाप हो जाएगा 6 meter है ना, 4 × 1.5, ठीक है। पहले का उत्तर ये हो गया यानी कि 6 meter आ जाएगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में भी आप परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए आप प्रत्येक भुजा को जोड़ेंगे, ये हो गया 0.5, ठीक है, ये 0.5 यहां से यहां तक ये कुल हो गया 1, यहां से यहां तक ये 1 meter हो गया, इस तरह से ये भी 1 meter है, तो 1 1 meter वाले को देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, ठीक है। अब बचे आधे आधे वाले चार, ये भी आधा है, ये भी आधा मीटर है और ये भी आधा मीटर है ये वाला हिस्सा, तो इन चार आधे मिलके बन गए 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, आधा और आधा 1, फिर ये 1.5, फिर ये 2, पहले हमने 8 गिने थे तो 8 × 2 = 10 मीटर आ गया। तो क्रॉस में रखी गई आकृति का परिमाप अधिक है। यदि सभी सभी टाइलों को एक सीधी रेखा में रखे तब भी एक परिमाप 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस बी पार्ट को ऐसे भी कर सकते हैं ना, परिमाप बराबर सारी भुजाओं को जोड़ते हुए चलिए, 0.5 × 1 × 1 इस तरह से, है ना, ये कहने का मतलब है। अब हम बात करते हैं बच्चों एरिया के बारे में, बात करते हैं ये एरिया क्या होता है। देखिए अभी तक हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है, ये जो ब्लू लाइन चल रही है इसके चारों ओर, ठीक है, ये बॉर्डर की कुल लंबाई यानी कि रेखाखंडों का योग, इन सभी रेखाखंडों का, सभी भुजाओं का योग, ये हो गया परिमाप। अब परिमाप के अंदर जो आपको जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया। यू कैन सी दिस इज अ फ्लैट सरफेस एंड द कलर पार्ट यू कैन सी ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई सम स्पेस ऑन सरफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ओके। तो वट एवर इज इनसाइड द बाउंड्री, वट एवर इज इनसाइड द सर्कमफेरेंस दैट इज कॉल्ड द एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यू कैन सी दिस पोर्शन विल बी द एरिया इफ आई हैव टू, इफ आई विल शेड दिस कलर इट विद सम, तो ये जो पार्ट है अंदर वाला, तो ये जो है आपका एरिया है एनक्लोज्ड इनसाइड, ठीक है। तो व्हाट इज एनक्लोज्ड इनसाइड, वो जो है आपका, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन याद करिए आप, द अमाउंट ऑफ स्पेस और सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, एक ही बात है बेटा, ठीक है। क्या है, अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देख लें, तो देखिए ये ग्राफ शीट पे एक फिगर बनाया गया डायग्राम, तो ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट कह देते हैं, क्या कह देते हैं, 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो फुली फिल, अब इसमें देखिए एरिया फाइंड करना है, तो एक का एरिया हो जाएगा, एक छोटे से स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो आप देखिए कितने कंप्लीटली स्क्वायर हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस 10 एंड दिस 1, 11, हाफ फिल स्क्वायर जो है 3 है हमारे पास, एक यहां पर है और एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है। मोर देन हाफ फिल स्क्वायर 7 है, ऐसे जो ज्यादा है, तो इस तरह से टोटल एरिया इस पूरे फिगर का यानी कि जो अंदर का पोर्शन है वो एरिया कहलाता है। तो 11 पार्ट्स प्लस 3 हाफ थे प्लस 7, मोर देन हाफ फिल को हमने पूरा 7 मान लिया, ठीक है, लेस देन हाफ फिल स्क्वायर ऐसे 5 थे, तो एरिया हमने एस्टिमेट कर लिया, आइडिया से ले लिया, तो 19 कंप्लीट 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आया। तो एरिया इंक्लूज इनसाइड दिस। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए बच्चों, सभी आकृतियां तल में कुछ क्षेत्र को घेरती हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी आकृति सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरती है, तो जाहिर सी बात है चित्र से देखने पर ये वाली। तो बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो उसका बाहर की बाउंड्री थी वो क्या कहलाती है, परिमाप। परिमाप के अंदर घिरी हुई जो भी है, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक वर्ग, एक छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल एक ग्राफ शीट पर, एक छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल जैसे कि ये है, इसका क्षेत्रफल होता है एक वर्ग इकाई, क्या होता है, एक वर्ग इकाई। अभी हम सेंटीमीटर मीटर नहीं कह रहे हैं, एक इकाई कह रहे हैं, तो अगर एक किसी एक छोटे वर्ग की
लंबाई जो है, प्रत्येक भुजा की लंबाई एक इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है एक वर्ग इकाई। एक वर्ग इकाई का मतलब हुआ 1 मीटर गुणा 1 मीटर। ठीक है, तो हमने देखते हैं यहां पर कि कितने इन वर्गों को गिनके हमें इसका अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो एस्टिमेटेड एरिया आपको बताना है, अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो जब हम देख रहे हैं तो 11 जो है पूरे घिरे हुए वर्ग है, तो उनका क्षेत्रफल हो गया 11 वर्ग इकाई। आधे घिरे हुए वर्ग 3 है, तो 3 गुणा आधा हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग 7 है, तो उनको हमने 7 मान लिया। चलो आधे से अधिक, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आधे से अधिक दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह का। तो ऐसे 7 है, 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 4 5 6 और ये 7वां। ठीक है, तो और आधे से कम घिरे हुए वर्ग, आधे से कम घिरे हुए मतलब आधे से भी कम कोई घिरा है तो उसको हम गिन ही नहीं रहे, तो उनका क्षेत्रफल में शून्य मान लिया। तो इस बाउंड्री के चारों ओर के घिरा हुआ जो अंदर का जो हिस्सा है, ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 11 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल, 11 वर्ग इकाई, 11 धन 3 गुणा 1 बट्टा 2, 3 आधे घिरे हुए वर्गों का और 7 आधे से अधिक घिरे वर्गों को, 7 वर्ग इकाई। तो इनको जोड़ लिया तो 19 सही 1 बट्टा 2 वर्ग इकाई आया। ठीक है, अच्छा, इसका प्रयोग, इस एग्जांपल का इस्तेमाल हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं। बच्चों देखिए कैसा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। जितने स्क्वायर उतना उसका स्क्वायर यूनिट उसका एरिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से यूज करें तो ज्यादा अच्छा है ना, टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेते हैं। तो इसका एरिया हो गया 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, फिर नहीं चल पा रहा है तो हम यहाँ पेन से ही लिख देते हैं, 9 स्क्वायर यूनिट हो गया। आप लिखेंगे कैसे, 9 स्क्वायर को पूरा लिख के स्क्वायर उसके बाद डॉट लगा दी, 9 स्क्वायर यूनिट कह दीजिए आप। ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया ये हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं इस वाले पे, 1 2 3 4 5, तो इसका एरिया हो गया 5 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया देखिए, 1 1 कंप्लीट, ये 2 कंप्लीट है ना, ये दोनों हाफ हाफ 1 हो गया और ये दोनों हाफ ऑफ 1 हो गया, तो 1 2 3 4, तो इसका आया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, इसका एरिया फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया है आपके पास 8 8 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया भी फाइंड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्क्वायर यूनिट, 10 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए, 1 2, ये दोनों हाफ हो गए 1, ये दोनों हाफ हो गए 1, तो 1 2 3 4, तो इसका एरिया आया 4 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया देखिए, कंप्लीट वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, अब दो हाफ को मिला के हो गया, इन दोनों को मिला के हो गया 5, इन दोनों को मिला के ये 6 हो गया, तो 6 स्क्वायर यूनिट आया। इसका एरिया 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर यूनिट आया। इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर यूनिट आया। ओके, इसका एरिया देखिए, कंप्लीट वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2, ये दोनों मिलके हो गए 3, ये दोनों मिलके हो गए 4, तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया फाइंड करिए, कंप्लीट वाला काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 कंप्लीट है, ये दोनों हाफ हाफ मिलके 1 हो गए, तो 5 स्क्वायर यूनिट हो गया। ओके, अब इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो ये कंप्लीट हो गए, इन दोनों को आधे से ज्यादा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 1 2 3, ये 7 7 1/2 कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, 7 1/2 कह सकते हैं, 7 कंप्लीट, 1/2 स्क्वायर यूनिट आप कह देंगे। ठीक है बच्चों, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट के बारे में हम बात करते हैं, स्क्वायर यूनिट का मतलब कहता होता है कि साइड इनटू साइड, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। इसी तरह से आप इनको भी करिए, अंदाजे से ही लिखना होगा क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं है, स्क्वायर कुछ जो है कम भरे हुए हैं ना, तो पहले कंप्लीट वालों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6
एंड 7, ओके, इसको और इसको मिला के हो गया 8, इन दोनों को मिला के 8.5, ठीक है, इन दोनों को मिला के 9.5, इन दोनों को मिला के 10.5 और इन दोनों को मिला के 11.5 कह देंगे, तो 11 कंप्लीट 1/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे कुछ स्क्वायर आधे कटे हुए आ रहे हैं ऐसे। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन दोनों को मिला के 10, इन दोनों को मिला के 11, इन दोनों को मिला के 12, इन दोनों को मिला के 13, इन दोनों को मिला के 15, तो अराउंड, और ये इनको मान लीजिए हाफ मान लीजिए, ये वाला हाफ मान, और ये हाफ आ जाता होगा, तो 15 कंप्लीट 1/2, 15.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। याद रखिए आपने हर जगह क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, क्या लिखना है आपने, वर्ग इकाई, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ग इकाई, इसकी जो इकाई होती है वर्ग इकाई होती है, ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई, तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, का क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है। देखिए एक बार टेक्स्ट बुक में फिर से चलते हैं, हम बात कर रहे हैं एरिया की, जो फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने यहां पर ही देख लिया कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर का साइड कितनी होगी, 1, 1, 1, 3, ये भी 3, तो 3 × 3, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 यूनिट और यहाँ भी 3, तो आप देखिए जब हमने काउंट किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 × 3 हो गया, एरिया क्या हो गया 3 × 3, अगर कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया देते हैं साइड इंटू साइड से, ठीक है, साइड इंटू साइड से बनता है, तो इसीलिए 3 मीटर हो गया तो 9 मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड करना हो, जैसे ये एक रेक्टेंगल था, इसमें देखिए काउंट करिए 1, 2, 3, 4, यहां पर कितना था, 4, 4 बॉक्सेस हो गए, यहां पर 2 बॉक्सेस थे ब्रेथ वाइज, तो आप देखिए 4 × 8, 8 आया था ना इसका एरिया, 8 स्क्वायर यूनिट, तो 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। आप देखिए कि अगर एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया तो ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई, यहाँ 3 सेंटीमीटर, अगर हम अंदर के छोटे छोटे स्क्वायर को काउंट करें 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 5 × 3 = 15 टेबल आ रहा है देखिए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अच्छा फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर भी है, 4 इधर हैं बॉक्सेस 4 इधर हैं, तो टोटल अगर मैंने काउंट करना है इसका एरिया, तो रो वाइज, रो में कितनी रो है इसमें, कितने कॉलम है ये पता चल जाएगा, रो देखिए 1, 2, 3, 4 और कॉलम 1, 2, 3, 4, तो 4 × 4 = 16 स्क्वायर हो गए, तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया, इट कवर 16 स्क्वायर, द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 4, दैट इज व्हाट वी कैन से कि दैट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला साइड इनटू साइड, ठीक है। अब स्क्वायर सेंटीमीटर वाली बात कहां पे आई बच्चों, मान लीजिए पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, तो 12 × 4 = 48 हो गया, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मतलब हुआ स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ड यूज होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जा सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जब हम कहते हैं तो 2 छोटा सा ऊपर को लिख देते हैं, पावर में चढ़ा दे, इसको कहते हैं पावर फॉर्म, इस तरह से भी लिखा जाता है, इसीलिए ये यूनिट होती है आपकी स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। अब आप देखिए क्षेत्रफल आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपके पास एक आकृति बनाई, यहां पर हमें पता है कि एक छोटे वर्ग का परिमाप है 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक जो है एक 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 है, तो आप काउंट करिए कितना हो गया इसका क्षेत्रफल,
एक से लेके यहाँ 15 तक आ गए, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अब आप देखिए लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर और 3, तो 5 स्क्वायर छोटे छोटे वर्ग ऐसे रखे हैं, 3 3 यहाँ पे कॉलम बने, 3 हमारे पास स्तंभ बन गए इससे, है ना, 3 जो है रेखा रो बन गई, तो 5 या 15 है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। जैसे अगर किसी आयत की लंबाई 6 और चौड़ाई 4 हो, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, है ना। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी तरह से आप प्रयास कीजिए अपने घर में जो है फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसमें टाइलें लगी हों तो उन टाइलों को काउंट कर लीजिए, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। इस तरह से दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल, इसी तरह से वर्ग की बात भी आई कि वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा गुणा भुजा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा वाले सूत्र से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे एक वर्ग है, एक वर्ग यहाँ पर प्रत्येक वर्ग क्या है, एक एक वर्ग सेंटीमीटर, प्रत्येक वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का है, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, कुल यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 इस तरह से रखे गए हैं और 4 इस तरह से, तो कुल जो है हमारे पास 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। तो कैसे, सीधा सूत्र अगर चाहिए होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, भुजा गुणा भुजा, 4 स्लाइड इधर है, 4 स्लाइड इधर रखिए, तो 4 गुणा 4 भुजा गुणा भुजा सूत्र बन गया। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो प्रश्नावली जो है 10.3 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन, ध्यान से समझिए और पढ़िए।